studied about what is export marketing, why are we entering into export marketing, importance of export marketing. ये समझने के बाद हमने distinguish पढ़ा था domestic market और international market के बीच, right? So ये खत्म होने के बाद other things we studied was what were the motivators. कुछ motivation लगेगा सबको enter करने के लिए export market, वरना मैंने बताया था local marketing कितना easy है. घर के बाहर एक दुकान खोल लो, ठेला खोल लो, बेचना शुरू करो, वहाँ भी profit तो मिलने ही वाला है. So there were few major incentives, motivators which push us towards export marketing, international marketing, correct? वो समझने के बाद आज हम पढ़ेंगे export marketing through internet. Now, ये किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है. आजकल की जनरेशन को सबको पता है इंटरनेट पे कैसे आप शॉप कर सकते हो, एक्सपोर्ट मार्केट कर सकते हो. बेस्ट एग्जांपल इज OLX. OLX पे बेच दे, आप एवरी डे देखते हो. अगर आपको कोई चीज़ बेचनी है, इट्स ईजी, जस्ट क्लिक अ फोटो, अपलोड इट एंड सेल इट. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आप बाय भी कर सकते हो वही OLX पे. आपको कोई सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन चाहिए या कोई सोफा सेट चाहिए एक्सेट्रा. सो इट इज़ वेरी सिंपल नाउ डेज टू मार्केट वाया इंटरनेट. सो नाउ वी विल स्टडी हाउ वी विल गो थ्रू एक्सपोर्ट मार्केटिंग वाया इंटरनेट. सो स्टेप्स टूवर्ड्स एक्सपोर्ट मार्केटिंग वाया इंटरनेट. सो द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस. टारगेट ऑडियंस, टी ए इज टारगेट ऑडियंस. आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस. अच्छा, समझ लो कि तुमको एक्सपोर्ट करना है, तुमको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है. तो जनरली कैसा होता है पता है, अगर कोई स्टार्टर है ना ये बिजनेस में, तो क्या करेगा, पहले प्रोडक्ट डिसाइड करेगा कि मैं क्या बेचूँ. मुझे फूड प्रोडक्ट बेचना है, मुझे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचना है, मुझे कंज्यूमेबल्स बेचने हैं, मुझे मशीनरी बेचना है, मुझे क्या बेचना है, मुझे सर्विस बेचनी है. तो सबसे पहले अगर कोई बिगिनर होगा वो ये सोचेगा कि मुझे क्या प्रोडक्ट बेचना है. बट एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टारगेट द ऑडियंस. पहले देखो कि कौन सी ऑडियंस को क्या चीज़ चाहिए, उस पर डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने आई गेस लास्ट लेक्चर में भी बताया था ये, आज भी एक बार रिपीट कर लेते हैं. कंसिडर सिंगापुर. ठीक है, सिंगापुर में मेजॉरिटी पब्लिक्स काम पे जाती है, कोई घर पे बैठता नहीं है. लाइक इन इंडिया, हाउसवाइफ सिस्टम इंडिया में ज़्यादा पाई जाती है एक्सेप्ट अब्रॉड. तो सिंगापुर में रोटी मेकिंग मशीनरी अगर मैं बनाऊँ तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा? ऑब्वियसली बिकेगा, क्योंकि वहाँ पे किसी को रोटी बनानी नहीं आती. इंडिया में कैसा है, माँ का प्यार, माँ खुद के हाथ से रोटी बना के मुझे देगी, वो सब कंसेप्ट चलता है, वहाँ नहीं चलता. यहाँ पे ना कोई अगर रोटी मेकर घर पे गिफ्ट भी देगा ना, कोई यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली बैठ गया है कि नहीं, मम्मी बनाती है वही अच्छी बनती है, वो रोटी मेकर में बनाते हो ना वो अच्छी नहीं बनती, राइट? सो फर्स्ट आई हैव टू टारगेट द ऑडियंस. इंडिया में अगर मैं रोटी मेकिंग मशीन बेचूंगी तो बिकने ही नहीं वाली है, अब्रॉड में बेचूंगी तो शायद बिक जाए. देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, जैसे कि मैं कैसे एडवर्टाइज करती हूँ, मैं मार्केट कैसे करती हूँ, मेरा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, ऑब्वियसली उस पर भी मेरा सेल्स डिपेंड करेगा. बट करेंटली देखा जाए तो वॉट आई एम डूइंग, आई एम टारगेटिंग अ पर्टिकुलर ऑडियंस. मुझे देखना है कि ऑडियंस, किस ऑडियंस को मुझे मेरा प्रोडक्ट बेचना है. एक बार मैंने मेरा टारगेट ऑडियंस पक्का कर लिया, उसके बाद आई विल डिटरमाइन द प्रोडक्ट. द सेकेंड स्टेप इज नाउ आई विल डिटरमाइन द प्रोडक्ट. अच्छा, नाउ आई विल डिटरमाइन द प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने देखा है कि लोग आजकल वॉचेस पे ज़्यादा पैसा खर्च करते, ठीक है, अगर मैंने ये देखा है तो मेरा टारगेट ऑडियंस पक्का हो गया कि द पीपल हु यूजेस वॉचेस. ठीक है, दिस इज़ माय टारगेट ऑडियंस. अब मुझे कैसा प्रोडक्ट बेचना है, मुझे प्राइम लेवल का प्रोडक्ट बेचना है, जैसे कि रोलेक्स घड़ी बेचनी. अगर रोलेक्स घड़ी बेचनी है तो मेरा टारगेट ऑडियंस बॉलीवुड फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स पर्सन, ये सब बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियंस, ये सब लोग, जो लोग लाइमलाइट में रहते, जो लोग पेपर, न्यूज़पेपर में, मीडिया में आते हैं ना, वो लोगों को ये प्राइम घड़ियाँ यूज़ करनी होती है. तो आई विल गो फॉर सच काइंड ऑफ वॉचेस, लाइक रोलेक्स है, टिसॉट है एक्सेट्रा. अगर मेरा कंज्यूमर, मेरा टारगेट ऑडियंस मिडिल एज पीपल है या
कंज्यूमर मिडिल लेवल कंज्यूमर्स है तो उन लोग टाइटन में जाएंगे या सोनाटा में जाएंगे एक्सेट्रा. सो दिस इज हाउ फर्स्ट आई हैव टू टारगेट द ऑडियंस एंड देन आई हैव टू डिटरमाइन माई प्रोडक्ट. द थर्ड स्टेप वुड बी ऑब्वियसली आई हैव टू प्लान द बिजनेस. प्लान द बिजनेस, हाउ विल आई प्लान द बिजनेस? पहले तो मैंने टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर लिया, फिर मैंने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या प्रोडक्ट बेचना है. नाउ आई हैव टू प्लान द बिजनेस. अच्छा, मुझे वाया इंटरनेट जाना है या मुझे डीलर्स सिलेक्ट करने हैं, मेरे होलसेलर्स, वो जो चेन रहती है ना होलसेलर्स की, फिर रिटेलर्स की, सॉरी होलसेलर्स की, फिर डीलर्स की, फिर रिटेलर्स की और फिर एंड कंज्यूमर्स की. ठीक है, तो ये चेन वाया जाना है या मुझे वाया इंटरनेट जाना है, जैसे कि मैं फ्लिपकार्ट को दे दूंगा या मैं अमेजोन को दे दूंगा, उन लोग मेरा घड़ी बेच देंगे. ठीक है, तो आई हैव टू प्लान माई बिजनेस. अच्छा, ये होने के बाद बिजनेस में मुझे ये भी प्लान करना है कि सिंस दिस इज द स्टार्ट ऑफ बिजनेस, मुझे कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है, मुझे लो कॉस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचना है या मुझे बहुत 2% का प्रॉफिट मार्जिन रखना है, 10% का प्रॉफिट मार्जिन रखता है. ये सब डिपेंड करता है मेरे प्रोडक्ट पे. अगर मेरा प्रोडक्ट यूनिक है तो फिर मुझे जितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है मैं रख सकती हूँ, बिकॉज इट इज यूनिक, देयर इज नो अदर कॉम्पिटिशन. बट अगर मेरे प्रोडक्ट जैसा ही कोई दूसरा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैगी है और हक्का नूडल्स है, तो ये दोनों सेम हो गए तो मैगी वाला हक्का नूडल्स के पैसे से ज्यादा नहीं रखेगा, वरना मैगी बिकेगी ही नहीं, प्रोवाइडेड मैगी को मोनोपोली मार्केट है. ठीक है, सो ऑल दैट आई हैव टू डिसाइड इन माई थर्ड स्टेप, दैट इज प्लान द बिजनेस. ओके, द फोर्थ स्टेप वुड बी ऑब्वियसली टू रजिस्टर माई सेल्फ. रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी. जैसे कि हम लोग बर्थ लेते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमको नाम देते हैं, बिना नाम का कोई बंदा देखा है किसी को पूछा है हाय व्हाट इज योर नेम, सॉरी आई डोंट हैव एनी नेम, ऐसा नहीं होता. तो सिमिलरली तुम्हारे बिजनेस को भी एक नाम होना चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन आपको कराना जरूरी है. नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट मार्केटिंग, देर इज अ पर्टिक्युलर कोड नंबर नोन एज IEC कोड. दिस इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड. ठीक है, दिस इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड. आपको अपने आप को रजिस्टर कराना है एंड यू हैव टू गेट एन IEC कोड नंबर. ठीक है, देन ओनली यू विल बी अ रजिस्टर्ड डीलर, अ रजिस्टर्ड बिजनेस. नेक्स्ट विल बी आई हैव टू ऑब्वियसली अक्वायर अ डोमेन नेम. हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग इंटरनेट पे बेचने की बात कर रहे हैं. अगर मुझे इंटरनेट पे बेचना है तो मेरे पास एक डोमेन नेम होना चाहिए. डोमेन नेम क्या होता है? flipkart.com है, amazon.com है, graduateguru.co.in है. ये क्या है? ये हमारे डोमेन नेम है. जैसे कि हमारे नाम के पीछे सरनेम होता है, ये कुछ वैसा ये काम करता है. सो इफ somebody asks me कि अरे आप अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचते हो, तो आई वुड से हाँ आप graduateguru.co.in पे जाओ, आपको मिल जाएंगे सारी फैसिलिटीज़. अच्छा, ये डोमेन नेम में क्या स्पेसिफाई हुआ होगा, कौन से सब्जेक्ट्स आप दे रहे हो, कितने पैसे पे दे रहे हो, हु इज़ द सर, हु इज़ द प्रोफेसर, हाउ ही टीचेस, एक डेमो लेक्चर होगा जो आप देख के ये CD बाय करते हो एक्सेट्रा. सो दैट इज वी हैव टू अक्वायर अ डोमेन नेम. नेक्स्ट इज आई हैव टू ड्राफ्ट अ वेबसाइट. वेबसाइट ड्राफ्ट करनी पड़ेगी मुझे. आपने ये CD खरीदने से पहले ऑब्वियसली आप graduateguru.co.in पे गए रहेंगे, आपने वहाँ पे वेबसाइट देखी होगी. आपने वेबसाइट देखी है, सो वी हैव अ लोगो, वी हैव एन इंटरेस्टिंग लोगो विच शोज अ ग्रेजुएट गुरु का कैप. ठीक है, अभी वो ग्रेजुएट गुरु का कैप क्यों दिया है? बिकॉज वी हेल्प यू टू परस्यू ग्रेजुएशन. करेक्ट, सो देर हैज़ टू बी एन इफेक्टिव इम्प्रेसिव लोगो. देर हैज़ द वेबसाइट शुड बी इम्प्रेसिव. अगर आप फैशन डिजाइनिंग क्लोथ्स की वेबसाइट खोल रहे हो तो इट शुड बी स्टाइलिश. कलर्स यूज़ करो, स्टाइलिश होना चाहिए. मॉडल्स यूज़ करो, लंबी मॉडल्स यूज़ करो, माचो मैन यूज़ करो, सो दैट यू कैन सी द क्लोथ्स, यू कैन बाय दोज क्लोथ्स एक्सेट्रा. अगर आप प्रोफेशनल साइट ले रहे हो, जैसे कि आपने ICI की साइट देखी होगी, आपने ICSI की साइट देखी होगी, वो प्लेन लाइन कलर्स यूज़ करते हैं, लाइट कलर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि वाइट है, लाइट ब्लू है, लाइट येलो है. इट अपील्स द प्रोफेशन. अगर आप लॉयर बन रहे हो तो आप रेड कलर की साइट नहीं बना सकते, इट इज़ नॉट अपीलिंग. बट
ऑन दी सेम पाथ अगर आप कार्टून नेटवर्क का कोई साइट बना रहे हो या कोई कार्टून बेच रहे हो तो उसमें रेड ग्रीन ब्लू इफेक्टिव कलर्स यूज करोगे तो वेबसाइट इंटरेस्टिंग होगी. तो सिमिलरली यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड हाउ यू वॉन्ट योर वेबसाइट टू लुक डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट ऑब्वियसली. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज कनेक्ट टू सोशल मीडिया साइट. मार्केटिंग करना है आपको, आपका प्रोडक्ट मार्केट करना है तो आई गेस सोशल मीडिया साइट से बेटर कोई वे रूट नहीं हो सकता. आप फेसबुक पे अपने वेबसाइट को एडवर्टाइज करो, आप इंस्टाग्राम पे अपने वेबसाइट को एडवर्टाइज करो, आप ट्विटर पे अपने वेबसाइट को एडवर्टाइज करो. देर आर सो मेनी सोशल मीडिया साइट्स टूडे विच हेल्प्स यू टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट. आप इंस्टाग्राम पे देखोगे ना, आपको एवरी सेकेंड लिंक मिलेगा. कोई बैग बेच रहा है, कोई मोबाइल कवर्स बेच रहे हैं, कोई बेडशीट्स कलरफुल बेडशीट्स बेच रहा है. आई थिंक ऑलमोस्ट आउट ऑफ 10 8-9 पीपल बाइज क्लोथ्स ऑनलाइन नाउअडेज. तो आप वो सब बेच सकते हो वाया इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर एक्सेट्रा. सो सोशल मीडिया साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट. ठीक है, एंड द लास्ट इज कस्टमर रिलेशनशिप. एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं. मेरे घर के पास एक छोटा सा किनारा स्टोर्स है. वो बंदा क्या करता है, अपना प्रोडक्ट बेचता है. जैसे कि 5 किलो चावल बेच दिए, ठीक है, 2 महीने बाद ना वही चावल में कुछ इंसेक्ट्स मिले मेरी मम्मी को. तो मेरी मम्मी ने जाके उसको बोला, बॉस ये क्या है, एवरी टाइम वी बाय इट फ्रॉम यू, दिस टाइम द गुड्स क्वालिटी वर नॉट गुड. उसे क्या किया, उसने इमीडिएटली मुझे वो जितने बचे थे उतने बदल के दे दिए. ये क्या था, ही मेंटेन्ड कस्टमर रिलेशनशिप. एक बंदा निकल जाता ना वरना उसके लिस्ट में से, वो बोलता कोई और दुकान में जाके ले लेती मेरी मम्मी. तो उसने क्या किया, उसने कस्टमर को मेंटेन किया. बट वाया इंटरनेट ना ये पर्सनल रिलेशनशिप छूट जाता है. ये पर्सनल रिलेशनशिप आप नहीं रख सकते बिकॉज आपको नहीं पता आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, कोई थर्ड पार्टी ने आपके घर पे आके उसको डिलीवर किया, आपने उसको कैश ऑन डिलीवरी दिया, आपने उसको पैसा दिया, बात खत्म. देर इज नो पर्सन जिससे आप बात करके आप बोल सकते हो कि अरे कल मैंने जो ड्रेस मंगाई थी उसमें एक फटा हुआ ये निकला था या उसमें हुक नहीं था एक्सेट्रा. सो कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वाया इंटरनेट. बट अगर आप मेंटेन करो, आप आफ्टर सेल्स स्ट्रैटेजी यूज करो, आप कॉन्टैक्ट रखो कस्टमर से, तो आप कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो. एंड बिकॉज ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप आपका प्रोडक्ट बिकना चालू रहेगा. एटलीस्ट देयर वोंट बी एनी डिसएडवांटेज. लाइक फ्लिपकार्ट पे आप वापस भी भेज सकते हो अपना कपड़ा. सिमिलरली आप मिंत्रा पे भी अपने क्लोथ्स आपको नहीं पसंद है, आपको नहीं हो रहे तो आप वापस भेज सकते हो. दिस इज नथिंग बट मेंटेनिंग कस्टमर रिलेशनशिप. ओके, सो दीज वर दी पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट मार्केटिंग वाया इंटरनेट. एक्सपोर्ट मार्केटिंग वाया इंटरनेट, जस्ट नोट इट डाउन एंड देन विल कंटिन्यू. ओके, सो दिस वी विल कंटिन्यू विथ आवर अदर आंसर नाउ. अभी हम लोग ने पढ़ लिया कि हम लोग एक्सपोर्ट मार्केटिंग वाया इंटरनेट कैसे करेंगे. हम लोग ने स्टेप्स पढ़ लिए कि हम लोग को इंटरनेट से एक्सपोर्ट करना है, हम लोग को इंटरनेट से सेल करना है हम लोग का प्रोडक्ट, तो हम कैसे करेंगे. नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट आर दी प्रोस्पेक्ट्स. प्रोस्पेक्ट्स मतलब व्हाट आर आर फ्यूचर एडवांटेजेस. एक फ्यूचर पाथ होता है, एक फ्यूचर विजन होता है कि अगर मैं एक्सपोर्ट में जाऊंगी तो मुझे कितने बेनिफिट्स मिलेंगे, किस हद तक मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे. तो वो बेनिफिट्स जानने के लिए वी हैव टू स्टडी द कमिंग 3 पॉइंट्स. दैट इज बेनिफिट्स considering current political and economic situation of India. Since we are in India, we will sell via from India only. ठीक है, तो we will understand the prospects of export marketing. Prospects of export marketing. The first point is
स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट. पिछले 30 ईयर्स में ना, पिछले 30 ईयर्स में हम लोग को इतना एक्सपोजर ही नहीं मिला. वी डिंट गेट सपोर्ट फ्रॉम आर गवर्नमेंट. हम लोग को इतना एक्सपोजर नहीं मिला कि हम लोग एक्सपोर्ट कैसे करेंगे. हम लोग को कोई रास्ता बताओ, कोई वे बताओ, कोई इंसेंटिव बताओ, ये सब अब तक हो ही नहीं रहा था. फ्रॉम द टाइम मोदी गवर्नमेंट केम इन टू सिनारियो, मोदी गवर्नमेंट केम इन टू पिक्चर, ही स्टार्टेड पुशिंग अस टूवर्ड्स मोर एक्सपोर्ट. वाई मोर एक्सपोर्ट? सो दैट वी गेट मोर फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो हम लोग के डेट्स क्लियर कर सकते हैं. हम लोग उन्हीं पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं. हम लोग उन्हीं पैसों से और बेटर ग्रोथ के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं. उन्हीं पैसों से हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं. ठीक है. सो नाउ सिंस वी हैव स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट हु आर पुशिंग अस टूवर्ड्स एक्सपोर्ट मार्केटिंग. आपने सुना होगा मेक इन इंडिया. मोदी गवर्नमेंट क्या कर रहा है? मेक इन इंडिया. जो भी करना है ना, इंडिया में बनाओ और बाहर बेचो. बाहर से कोई भी चीज़ यहाँ आनी नहीं चाहिए. उसके लिए उन्होंने क्या किया है, इंसेंटिव्स देना स्टार्ट कर दिया है कि आप यहाँ बनाओ, आपको प्रॉफिट, हम टैक्स माफ़ कर देंगे सो दैट वी गेट मोर फॉरेन एक्सचेंज. आप यहाँ पे बना के सेल करो, वी विल गिव यू मोर इंसेंटिव. वी विल गिव यू फ्री लैंड, वी विल गिव यू फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर, वी विल गिव यू फ्री फैक्ट्रीज, फ्री लैंड टू बिल्ट अप फैक्ट्रीज. मशीनरी जो आप इम्पोर्ट करोगे उस पर ड्यूटी कम लगेगा. ठीक है, ये सब आपने ध्यान रखना है. तो ये सब गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, धीरे धीरे होगा. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है. द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इज वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट. द सेकेंड पॉइंट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज. पॉजिटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज बनी है? अभी मैंने बताया मेक इन इंडिया कंसेप्ट आया है. तो अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है तो वो प्रोडक्ट के लिए मुझे मशीनरी बनानी पड़ेगी. अगर मुझे नहीं आती वो मशीनरी बनानी तो मैं बाहर से इंपोर्ट करूँगी. अब वो इंपोर्ट पे जो ड्यूटी लगेगा ना, वो गवर्नमेंट बोलेगा चल तू इंडिया में बना रहा है ना, मैं तुझे ड्यूटी माफ़ करता हूँ. यू कॉल फॉर द मशीनरी, मेक द प्रोडक्ट इन इंडिया एंड सेल इट. ठीक है. सो दैट इज़ वन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी दे हैव चेंज्ड. There are few other policies also, जैसे कि ड्यूटी ड्रॉबैक पॉलिसी. ड्यूटी ड्रॉबैक पॉलिसी क्या होती है? अगर आप जो मशीनरी मंगाई है या जो रॉ मटेरियल आपने इम्पोर्ट किया है वही यूज़ करके अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो दोनों टाइम के ट्रांजैक्शंस पे आपको टैक्स नहीं लगेगा. इसको ड्यूटी ड्रॉबैक पॉलिसी बोलते हैं. ठीक है. सो ये ऐसी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज है जो गवर्नमेंट हम लोग को दे रहा है सो दैट वी पुश आर सेल्स टूवर्ड्स एक्सपोर्ट मार्केटिंग. एंड द थर्ड पॉइंट इज डिक्लाइन इन रिसेशन. जैसे मैंने बताया पिछले 30 इयर्स में वी डिडंट हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट. उसमें कोई पार्टी का कोई हाथ नहीं है. इन जनरल ऑल्सो वर्ल्ड वाइड देर वॉज अ रिसेशन गोइंग ऑन. इन जनरल वर्ल्ड वाइड देर वॉज अ रिसेशन गोइंग ऑन. जैसे कि जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, जैसे कि लग्जरी कार्स, लग्जरी वॉचेस, लग्जरी सेलफोन्स, वो नहीं बिक रहे थे बिकॉज बाय डिफॉल्ट देर वॉज अ रिसेशन. बट नाउ वी आर कमिंग अप. अभी ग्रोथ हो रहा है. अभी रिसेशन से हम लोग टूवर्ड्स इन्फ्लेशन जा रहे हैं. सो दैट वी हैव एन अपॉर्चुनिटी वेयर वी कैन सेल सच काइंड ऑफ लग्जरी कार्स, लग्जरी वॉचेस, लग्जरी सेलफोन्स एक्सेट्रा. तो अभी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखा जाए तो रिसेशन भी नहीं है. सो आई थिंक दिस इज द बैंग ऑन टाइम वेयर यू एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट. हाउ इट विल हेल्प यू? बिकॉज देर इज अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव दे रही है, इकोनॉमिक पॉलिसीज भी अच्छी हो रही है और रिसेशन टाइम भी नहीं है. तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट पीरियड है अगर आपको बिजनेस करना है, एंटर इनटू एक्सपोर्ट मार्केट एंड स्टार्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट्स ऑल ओवर. ठीक है. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग. नाउ वी हैव टू स्टडी फ्यू पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू चैलेंजेस इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग. आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे अगर आपने एक्सपोर्ट मार्केटिंग सिलेक्ट किया. ऑब्वियसली हर चीज़ तो ईजी होने से रही, आपको कुछ तो चैलेंजेस फेस करने ही पड़ेंगे. बट
what are those challenges? We will look ahead. So, challenges in export marketing. So, the first point we will study under challenges in export marketing is meeting the needs of global market. अभी कैसा है? मैंने decide किया है कि मुझे biscuits बनाने. ठीक है, I decided I want to make cream biscuit. अगर मुझे cream biscuit बनाना है, so first of all I have to know who all are my competitors. ठीक है, तो Oreo biscuit है, सनफीस्ट की इतने सारे फ्लेवर्ड बिस्किट्स आते हैं, पार्ले के इतने सारे फ्लेवर्ड क्रीम बिस्किट्स आते हैं, तो ये सब कौन हो गए? ये सब मेरे कॉम्पिटिटर्स हो गए. अब ओरियो इज़ वेरी फेमस एक्चुअली देखा जाए तो अगर मुझे भी चॉकलेट क्रीम बिस्किट बनाना है और ओरियो इज़ माय कॉम्पिटिटर, आई हैव टू मीट हिज स्टैंडर्ड, आई हैव टू मीट ओरियो बिस्किट स्टैंडर्ड. अगर मैं वो ओरियो बिस्किट का स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रही हूँ तो मेरा प्रोडक्ट तो बिकने से रहा. व्हाई? बिकॉज फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स इज़ अ कंज्यूमर. ठीक है, मिस्टर एक्स इज़ अ कंज्यूमर. अब उसके पास इंटरनेट एक्सेस है, उसके पास इंटरनेट एक्सेस है, उसको पता है कि ओरियो बिस्किट मिलता है जो क्रीम बिस्किट है, उसको पता है सनफीस्ट बिस्किट मिलता है जो क्रीम बिस्किट है, उसको ये भी पता है कि मैं ध्वनि मैम एक बिस्किट सेल कर रही है, लेट्स नेम द बिस्किट एज DM. सो मिस्टर एक्स इज अवेयर ऑफ द क्वालिटी विच ओरियो गिव्स, द क्वालिटी विच सनफीस्ट गिव्स. तो उसको क्या हो गया, वो कंपेयर कर सकता है ना कि मेरा बिस्किट ओरियो से बेटर है या ओरियो मेरे बिस्किट से बेटर है, मेरा बिस्किट सनफीस्ट से बेटर है या सनफीस्ट मेरे बिस्किट से बेटर है. ठीक है, तो आई हैव टू मीट द ग्लोबल मार्केट, दीज आर द ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स ऑफ माइन, इन लोग के स्टैंडर्ड्स को मुझे मीट करना है. अगर आई डोंट मीट अप देयर स्टैंडर्ड्स, मेरा बिस्किट कभी बिकेगा ही नहीं. बिकॉज द कंज्यूमर इज अवेयर कि मार्केट में ये अच्छा माल मिलता है और ये भी अच्छा माल मिलता है. ठीक है, तो उतना मेहनत सबको करना पड़ेगा. ओके, सो वी हैव टू मीट द नीड्स ऑफ ग्लोबल मार्केट. नाउ माय सेकंड पॉइंट इज आल्सो रिलेटेड टू द सेम कंसेप्ट, टू द सेम एग्जांपल. द सेकंड पॉइंट इज अचीविंग ग्लोबल कॉम्पिटिशन, अचीव ग्लोबल कॉम्पिटिशन. ऑब्वियसली अभी मैंने बताया मिस्टर एक्स इज अवेयर ऑफ दीज थ्री थिंग्स. मिस्टर एक्स को पता है ये बिस्किट बिकता है, ये बिस्किट बिकता है, ये भी बिस्किट बिकता है, तो उसके लिए कंपैरिजन तो ज़्यादा ही इजी हो गया कि ये बेच लूँ, ये खरीदूँ कि ये खरीदूँ. सो वी हैव टू मीट आर ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स स्टैंडर्ड एज वेल, सो दैट इज अचीविंग ग्लोबल कॉम्पिटिशन. The third point is limited importance to export services. Limited importance to services. अच्छा, अब तक हम लोग कभी भी एक्सपोर्ट मार्केटिंग की बात कर रहे थे ना, तो हम कोई प्रोडक्ट बेचने की ही बात कर रहे थे, बट कभी भी हम लोग ने सर्विस बेचने की बात तो अभी तक की ही नहीं, क्योंकि सबके दिमाग में यही है कि अगर एक्सपोर्ट मार्केटिंग करना है मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट उठाओ और उसको बेचना स्टार्ट करो. गाड़ी है, बिस्किट है, सेलफोन्स है, वॉचेस है, हेयर बैंड्स है, शैम्पूज है, एक्सेट्रा. कोई सर्विस बेचने की बात नहीं करता है कि टीचिंग, इंजीनियरिंग स्किल्स बेचो, मतलब बेचो मतलब गिव, रेंडर सर्विसेज टू कंट्रीज आउटसाइड इंडिया एंड अर्न मनी, फिनेंशियल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये सब हम लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा है. देर आर सो मैनी पीपल फ्रॉम इन इंडिया हु गो अब्रॉड, सेटल इन अब्रॉड एंड गिव सर्विसेज. वॉट नरेंद्र मोदी सेइंग, स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया एंड गिव योर सर्विसेज. अगर आपको सॉफ्टवेयर स्किल्स बेचनी है, इंडिया में रह के आप सॉफ्टवेयर स्किल्स बेचो एंड अर्न द फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया. डू नॉट गो देयर, सेटल देयर एंड अर्न मनी फॉर दैट कंट्री. स्टे इन आर कंट्री एंड अर्न मनी फॉर आर कंट्री. ठीक है, सो लिमिटेड इंपॉर्टेंस इज गिवन टू सर्विसेज. इंडिया में सर्विसेज को ही इतना लिमिटेड इंपॉर्टेंस दिया गया है, इसीलिए ये पर्टिकुलर फील्ड एक्सप्लोर नहीं हो पा रही है अब तक. ठीक है, सो दिस इज द थर्ड लिमिटेशंस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग. द फोर्थ इज लिमिटेड अटेंशन टू एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग.
लिमिटेड अटेंशन दिया जाता है. लिमिटेड अटेंशन क्यों? हम लोग क्या बोलते कि अरे यार छोड़, एडवर्टाइज कौन करेगा, मार्केट कौन करेगा, एक काम कर तू प्रोडक्ट बना ले, चार लोगों को बोल देना, माउथ पब्लिसिटी से बिकना स्टार्ट हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. योर एडवर्टीजमेंट स्किल, योर मार्केटिंग स्किल्स हेल्प अ लॉट टू सेल योर प्रोडक्ट. आप अपना एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग स्किल्स अच्छा करो, अपना प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो जाएगा. पेप्सी, थम्स अप, मैकडोनल्ड्स, KFC, ये सारे MNC कंपनीज है. बट आप लोग ने उन लोग की एडवर्टीजमेंट देखी है कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी पक्की होती है. कोलगेट इज ऑल्सो नॉट इंडियन कंपनी, वो भी अपनी एडवर्टीजमेंट कितनी अच्छी करते, कितनी प्रॉपर करते, से बैंग ऑन तुम्हारे दिमाग में बैठ ही जाए कि नहीं कल तो मैं यही वाला टूथपेस्ट लेके यूज़ करता हूँ, देखता हूँ मेरे दांत कितने अच्छे होते. सो देयर एडवर्टाइजिंग इज सो स्ट्रॉन्ग कि इट टेंड्स यू, इट लीड्स यू टूवर्ड द प्रोडक्ट, टूवर्ड्स द प्रोडक्ट टू बाय इट. इतना शाइनी होना चाहिए तुम्हारा एडवर्टाइजिंग, इतना बैंग ऑन होना चाहिए, इतना इफेक्टिव होना चाहिए. बट इंडिया में कोई इतना पैसा खर्च करता ही नहीं है एडवर्टाइजिंग में. एक्चुअली देखा जाए ना, अब्रॉड में इफ योर प्रोडक्ट इज फॉर 100 रुपीज और अगर आप बाइफरगेट करो ना, 70 रुपीज दे स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग एंड 30 रुपीज दे स्पेंड ऑन मेकिंग द प्रोडक्ट. इतना इतने का रेशियो होता है, इतने का रेशियो होता है. 70 रुपीज दे सेल वाइल एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट एंड 30 रुपीज दे स्पेंड ऑन मेकिंग द प्रोडक्ट. ठीक है, एंड इसी वजह से वो प्रोडक्ट बिकता भी है. आपने लॉरियल की एड्स देखी है क्या? दे स्पेंड सो मच ऑन एडवर्टाइजिंग. सोनम कपूर को लेते हैं, ऐश्वर्या राय को लेते हैं, कटरीना कैफ को लेते हैं. ये सब स्टार्स को लेने का मतलब क्या है? आप पे एक इमेज बैठ जाती है कि वाओ, ऐश्वर्या राय यूजेस लॉरियल, आई शुड डेफिनेटली स्टार्ट यूजिंग लॉरियल. तो उन लोग इतना पैसा खर्च करते हैं एडवर्टाइजिंग पे दैट दे एंड अप सेलिंग देयर प्रोडक्ट. ट्रेसमे स्पेंड सो मच ऑन एडवर्टाइजिंग. Fair and Lovely स्पेंड सो मच ऑन एडवर्टाइजिंग. सो इट हेल्प्स टू सेल योर product, but in India we give less importance. So the fourth point is less attention to advertising and sales promotion. Next is poor contribution towards agricultural products, agri products. Poor contribution towards agricultural products. India में कैसा होता है, हम लोग को best oranges मिलते हैं, best mangoes मिलते हैं, best fruits मिलते हैं, best vegetables मिलते हैं, but because of poor contribution towards agricultural system, मतलब हम लोग इतना पैसा उन लोग के warehousing में या उन लोग के storage में नहीं करते, इसकी वजह से since these are perishable products मतलब उन लोग की life शॉर्ट होती है, उन लोग का लाइफ स्पेन छोटा होता है. अगर मैंगो को मैं पकड़ूं, तो अगर मैंने एक रॉ मैंगो झाड़ से उतारा है ना, एक रॉ मैंगो, तो वो विद इन 20 डेज सड़ जाता है. विद इन 20 डेज, ठीक है, उसको 10 या 12 दिन लगते हैं राइप होने के लिए, और बाकी के 10 दिन में यू हैव टू कंज्यूम इट. इफ़ यू डोंट कंज्यूम इट, 20 दिन में वो जो मैंगो, मैंने रॉ मैंगो, जो कच्चा आम मैंने तोड़ा है ना, वो ख़राब हो जाएगा. 20 दिन में ये बिकने के लायक ही नहीं रहेगा ये पर्टिकुलर मैंगो. तो इंडिया में कितने मैंगोज आते हैं, कितने सारे, इट्स नॉट जस्ट मैंगो, इंडिया में कितने अच्छे क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस करते हैं. वी आर सपोज टू एक्सपोर्ट इज वी आर सपोज टू सेल इट अब्रॉड एंड अर्न सो मच मनी, बट बिकॉज ऑफ पुअर वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, बिकॉज ऑफ पुअर स्टोरेज फैसिलिटीज, वी कुडंट सेल देम इन देयर स्पैन. ये 20 दिन में ना वो मैंगो बिक ही नहीं पाता है, एंड देन वी हैव टू जस्ट थ्रो इट अवे. ठीक है, तो ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं. अभी मैंने बताया स्ट्रॉबेरी, ऑरेंजेस, मैंगो, वेजिटेबल्स, फूड प्रोडक्ट्स, कोरिएंडर है, कैबेज है, टमाटो है, पटैटो है, अनियंस है, ऐसे कितने सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जो आप एक्सपोर्ट